हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन ब्लड को। दो पार्ट्स में हम ब्लड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रक्त क्या है। तो रक्त एक प्रकार का ऊतक है। किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है रक्त। इसको इंग्लिश में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है? तो आंसर होगा हमारा 7%। मानव रक्त जो है शरीर के कुल वजन का 7% होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये न्यूट्रिशन के पेपर में भी आपसे पूछा जा सकता है और फिजियोलॉजी के पेपर में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने जो है पीएच स्केल की खोज की थी। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य रक्त का पीएच 7.4 होने के कारण किस प्रवृत्ति का होता है? आपसे नेचर पूछ रहा है ब्लड का। तो आंसर हमारा होगा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कैसे होता है इसको हम समझ लेते हैं। ये हमारी पीएच स्केल जिसकी खोज किसने की है? सोरेनसन ने। यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट पे होता है 7। यहाँ 7 को न्यूट्रल माना जाता है, उदासीन। जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन होता है। 7 से आगे जब इस साइड पे बढ़ेगा तो इधर बढ़ते समय जो है किसी भी पदार्थ की क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। 7 के इस साइड पे क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी और इस साइड पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अम्लीय प्रकृति जो है किसी भी पदार्थ की बढ़ती है। तो ब्लड का हम लोगों ने कितना पढ़ा? 7.4 समथिंग। तो ये जो है क्षारीय प्रकृति के अंतर्गत आता है। आगे है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? एक औसतन हम आपसे जो है पूछी है। तो 5 से 6 लीटर जो है मानव शरीर में रक्त होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो आंसर होगा 0.5 लीटर कम। पुरुषों से महिलाओं में लगभग आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अध्ययन जो है आपके सभी पेपर्स में जो है, सभी जो है टॉपिक्स से रिलेटेड अध्ययन को क्या कहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो रक्त निर्माण प्रक्रिया होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हीमोपोइसिस के नाम से जाना जाता है रक्त निर्माण प्रक्रिया को। ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं, क्वेश्चंस आपसे यहीं से बन के आएंगे, तो इनको जो है नोट्स बनाते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला प्लाज्मा और दूसरा कणिकाएं या कार्पल्स। तो ये हो गए हमारे रक्त के 2 भाग। आप समझ लेते हैं कि रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है। 2 भाग हमने रक्त के पढ़े, तो जो प्लाज्मा वाला भाग है वो कितने प्रतिशत पाया जाएगा? 55 से 60%, लगभग 55 से 60% जो है
रक्त में प्लाज्मा वाला भाग पाया जाता है। नेक्स्ट है कि रक्त में कणिकाओं का कितना प्रतिशत होता है, कार्पल्स कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 40 से 45 प्रतिशत कार्पल्स पाई जाती है, 55 से 60 प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है। यही जो है रक्त का संगठन होता है। प्लाज्मा का संगठन आपसे पूछ ले कि हमने जो है प्लाज्मा को देखा कि ये लगभग जो है 55 से 60 प्रतिशत हमारे शरीर में रक्त में पाई जाती है। अब इस प्लाज्मा के संगठन को अगर हम समझना चाहें तो प्लाज्मा में जल होता है 90%, इसको 90 कर लीजिएगा, जल जो है 90% होता है, प्रोटीन आपकी जो है 9% यानी कि 9% होती है, और ग्लूकोन आपका 1% होता है। तो 90, 9, 1, ये आपका टोटल 100% हो गया। तो प्लाज्मा में जल 90%, प्रोटीन 9%, ग्लूकोन 1% पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। जो हमने रक्त के दो भाग पढ़े, प्लाज्मा, प्लाज्मा के संगठन को हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे कि कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है लाल रक्त कणिका, दूसरी है श्वेत रक्त कणिकाएं, तीसरी है रुधिर प्लेटलेट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाल रक्त कणिकाओं की। तो लाल रक्त कणिकाओं को RBC के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स। श्वेत रक्त कणिकाओं को WBC के नाम से जाना जाता है, वाइट ब्लड कार्पल्स, रुधिर प्लेटलेट्स। इनके साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो RBC को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अवधि की बात करें तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें अगर, तो इनका जो है जो जीवन काल है वो जो है लगभग लगभग 2 से 5 दिन का होता है। और अगर रुधिर प्लेटलेट्स की बात करें तो इनका जीवन काल लगभग 2 से 10 दिन का माना जाता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कणिका को किस नाम से जाना जाता है। तो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि RBC को। आगे क्वेश्चन है हमारा, श्वेत रक्त कणिका को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि WBC को पूछ रहा है आपसे। तो WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। आगे है प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है, तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। 120 दिन होता है RBC का जीवन काल। आगे है श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 5 दिन होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल। नेक्स्ट है रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। तो रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल 2 से 10 दिन का होता है। इसका साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछे तो थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से इसको जाना जाता है, और ये जो है कणिकाओं का एक प्रकार है। आगे है हमारा, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाता है, तो सिर्फ प्लाज्मा जो बचता है उसको हम क्या कहेंगे या किस नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सीरम के नाम से हम उसको जानते हैं। जब हम प्लाज्मा वाले भाग से रक्त का आपने देखा संगठन, प्लाज्मा और कणिकाएं दो चीज़ें होती हैं, उसमें भी अगर हम प्लाज्मा वाले भाग से फाइब्रिनोजन को अलग कर देते हैं तब जो बचता है उसको हम सीरम कहते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, रक्त से लाल रक्त कणिकाओं को निकालने पर शेष भाग को हम क्या कहते हैं।
तो हमने रक्त में जो है दो पार्ट पढ़े थे, प्लाज्मा और कणिकाएं। प्लाज्मा वाले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को अलग किया जाता है तब जो भाग बचता है उसको सीरम कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब रक्त में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC को निकाल देंगे तब जो भाग बचेगा उसको हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। आगे है आपका, लाल रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो RBC का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आगे है आपका, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में, हड्डियों में जो बोन मैरो पाया जाता है उसी में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। आगे बात कर लेते हैं कि RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स की खोज किसने की थी? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने RBC की खोज की थी। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ब्लड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं हम दो पार्ट में पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो है, पहला पार्ट आपके सामने है, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आगे क्वेश्चन है, भ्रूणावस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूणावस्था की अगर बात करते हैं तो भ्रूणावस्था में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC का निर्माण यकृत में होता है। ये जो है दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूज भी करते हैं आपको, तो इनको क्लियर करते हुए चलिएगा कि भ्रूणावस्था में पूछे कि RBC का निर्माण कहाँ होता है तो लीवर या यकृत में होता है, और साधारण रूप से आपसे पूछे कि RBC का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में या फिर बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का विनाश कहाँ होता है? या लाल रक्त कणिकाओं का जब जीवन काल समाप्त हो जाता है तो वह कहाँ पर जाकर नष्ट होती हैं? तो आंसर होगा प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन, इन तीनों का नाम एक ही है, प्लीहा को ही तिल्ली और इंग्लिश में इसको स्प्लीन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे है, पहाड़ों पर जाने से लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC की जो संख्या है पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो पहाड़ों पर जाने से शरीर में जो है RBC की संख्या जो है बढ़ जाती है। ये सिचुएशंस आप माइंड में क्लियर करते हुए चलिएगा। आगे है, सोते समय लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सोते समय RBC की संख्या जो है कम हो जाती है। आगे है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC को मापने के लिए हम हीमोसाइटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जो है स्टार्टिंग में जो है बेसिक ब्लड के क्वेश्चंस पढ़े और लास्ट में जो है RBC से रिलेटेड यानी कि लाल रक्त कणिकाओं से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम WBC प्लेटलेट्स को और ब्लड ग्रुप को जो है क्वेश्चंस के थ्रू जो है क्लियर करेंगे। पार्ट वन जो है आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी क्लास। थैंक यू गाइज़।